स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं उन्हें किस तरीके से पहचाना जाता है तो आज हम देखने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए जब हम दो लीनियर इक्वेशन एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्रुप को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ओके स्टूडेंट साइमलटेनियस लीनियर इक्वेशन वेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड इक्वेशन, तो जब दो लीनियर इक्वेशन की जब हम बात करते हैं टू लीनियर इक्वेशन तो उनके सेट को या उनके ग्रुप को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स देखने वाले हैं तो आपके सिलेबस के अंदर जो है दो मेथड यहाँ पर जो है मैं बताने वाला हूँ एक है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्सटीट्यूशन मेथड तो क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन तो ये जो वर्ड है साइमल्टेनियस इक्वेशन इससे आप कन्फ्यूज नहीं होना है आप ये जो है सोचना है कि यहाँ पर जब साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात हो रही है यानी कि दो लीनियर इक्वेशन की यहाँ पर बात हो रही है तो पहली वाली लीनियर इक्वेशन फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इजिकल टू एट है और थ्री एक्स प्लस वाईकल टू ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है तो एलिमिनेशन मेथड हम देखने वाले हैं तो एलिमिनेशन मेथड में हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन को तो जब आपसे कहा जाए कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि यहां पर आपको x और y के वैल्यूज मालूम करने हैं फिर से एक बार मरत बताता हूँ कि आपको जो है जब कहा जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन तो आप यहां पर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में x और y वेरिएबल दिए गए हैं तो आपको इनके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं तो पहली इक्वेशन में लिख लेता हूं क्या है देखिए स्टूडेंट फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट ये पहली वाली लीनियर इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर वन नाम देंगे और दूसरी इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू इसको हम इक्वेशन नंबर टू ये नाम देंगे ओके अब यहां पर जो मेथड का नाम है एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड तो एलिमिनेट करना यानी कि खत्म कर देना निकाल देना बाहर निकाल देना किसी एक वेरिएबल को या एक्स के वेरिएबल को या वाई के वेरिएबल को तो जो है जैसा हम यहां पर देखते हैं या तो आप एक्स के वेरिएबल को जीरो बना दो या वाई के वेरिएबल को जीरो बना दो या जो हमें आसान लगता है वो हम करेंगे तो अब यहां पर आप गौर कीजिए इक्वेशन नंबर वन के अंदर यहां पर माइनस थ्री वाई है इक्वेशन नंबर टू के अंदर y के साथ कोफिशिएंट उसका वन है इस वजह से हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर टू को थ्री से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप किस तरीके से हो जाएगा देखिए यहां पर थ्री थ्री नाइन एक्स प्लस थ्री वन जा थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स अब इसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री का नाम देता हूं अब इक्वेशन नंबर टू का ही चेंज फॉर्म इक्वेशन नंबर थ्री है तो नाउ कंसीडर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर थ्री अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर वन है फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट और इक्वेशन नंबर थ्री है नाइन एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स अब देखेंगे इनको हम या तो एडिशन करेंगे या हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो है साइंस चेंज हो जाते हैं यहाँ पर माइनस आ जाएगा यहां पर माइनस आ जाएगा यहां पर माइनस आ जाएगा लेकिन आप देखिए बच्चे स्टूडेंट्स माइनस थ्री वाई नीचे है ऊपर है माइनस थ्री वाई नीचे है इस वजह से यहाँ पर ये तो जीरो नहीं होगा इस वजह से इनका हम सब्ट्रेक्शन नहीं करेंगे बल्कि हम इनका एडिशन करेंगे तो फाइव एक्स प्लस नाइन एक्स तो आप देखते हैं फाइव एक्स और नाइन एक्स आप मिल जाता है फोर्टीन एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई कैंसल हो गया इज इक्वल टू एट प्लस सिक्स ये हो गया फोर्टीन देन अब इस टाइप की इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता है तो ये हो जाएगा देन एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है यहां तक आपके समझ में आ गया स्टूडेंट्स तो अब यहां पर आपको जो है एक्स का वैल्यू मालूम हो गया है अब हम वाई का वैल्यू मालूम करते हैं तो अब y का वैल्यू मालूम करना है तो आपको क्या करना है x के जो भी वैल्यू आया है उसको किसी एक इक्वेशन के अंदर हम रख देंगे इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे टू में रखेंगे या थ्री में रखेंगे तो मैं क्या करता हूं x का वैल्यू इक्वेशन नंबर वन के अंदर रखता हूं तो आप लिखेंगे सब्सटीट्यूट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन ठीक है इक्वेशन नंबर टू के अंदर भी रखे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा इक्वेशन नंबर वन अब इक्वेशन नंबर वन क्या है देखिए स्टूडेंट फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट यहां पर लिखूंगा मैं फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट तो अब एक्स का वैल्यू क्या रखना है वन रखना है तो फाइव इंटू वन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट हो जाएगा फाइव वनज ऑफ फाइव माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट दिसनस थ्री वाई इज इक्वल टू जब फाइव को इक्वल टू साइन के हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो वो बन जाएगा माइनस वाई एट माइनस वाई हो जाएगा ये देन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट माइनस फाइव मीन्स एट में से फाइव माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा थ्री देन माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री ओके okay? अब जो है इसको हम आगे सॉल्व करते हैं अब ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री वन जर थ्री थ्री वन वन मिलेगा देन वाई इज इक्वल टू माइनस वन तो अब आपको एक्स का वैल्यू क्या मिल गया एक्स इज इक्वल टू तो प्लस वन मिला और वाई इज इक्वल टू तो माइनस वन मिल गया तो अब यहां पर आपको आंसर किस तरीके से लिखना है आप इस तरीके से लिखेंगे सल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू माइनस वन दिस इज द आंसर चलिए स्टूडेंट आप सब्सिट्यूशन देखते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो यहां पर मैं इक्वेशन नंबर वन लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू तो एट इसको इक्वेशन नंबर वन नाम देंगे और दूसरी इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू तो टू इक्वेशन नंबर टू ओके अब यहां पर आपको क्या करना है दोनों इक्वेशंस को आप देखिए अब दूसरी इक्वेशन के अंदर आपको नजर आ रहा है थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू तो यहाँ पर y का वेरिएबल जो है y का जो कोफिशियंट है सॉरी y का कोफिशियंट वन है तो दूसरी इक्वेशन को हम थोड़ा सा जो है चेंज करते हैं दूसरी इक्वेशन को लेकर देन दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू देन वाई इज इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स ओके okay, स्टूडेंट्स अब यहां पर जो y का वैल्यू है ये हम क्या करेंगे सब्सिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर ठीक है तो y का वैल्यू अपने मिल गया टू माइनस थ्री एक्स तो यहां पर मैं इक्वेशन नंबर वन लिखता हूं फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट तो आप यहां पर लिखेंगे सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स इन इक्वेशन वन ठीक है इक्वेशन वन फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज टू एट है तो यहाँ पर मैं फाइव एक्स का फाइव एक्स लिखता हूं माइनस थ्री का माइनस थ्री अब वाई की जगह आपको क्या लिखना है टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू एट इक्वेशन नंबर वन के अंदर आपने वाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया यानी के रख दिया देन फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स और माइनस माइनस गेट प्लस थ्री थ्री जा नाइन एक्स इज इक्वल टू एट अब देखिए फाइव एक्स प्लस नाइन एक्स ये हो गया फोर्टीन एक्स इज इक्वल टू एट और माइनस सिक्स जब राइट हैंड साइड इक्वल टू के जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स देन फोर्टीन एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन मिल गया ओके स्टूडेंट देन एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन अपॉन फोर्टीन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन अब यहां पर जैसा हमने पिछले मेथड में करे थे आ, वैसा ही सेम प्रोसीजर रहेगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन equation वन ठीक है इक्वेशन वन के अंदर एक्स इज टू वन हमें रखना है इक्वेशन वन क्या है 5x minus 3y is equal to eight. तो यहां पर लिखता हूं फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज टू एट तो एक्स का वैल्यू हम रखेंगे वन देन फाइव इन टू वन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट देन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट माइनस फाइव three y is equal to eight minus five इन्स three, then minus y is equal to three upon three, then minus y is equal to मिल जाएगा आपको वन और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है आपको जो फाइनल आंसर है इसी तरीके से लिखना है द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज X is equal to 1 and Y is equal to minus 1. Hope you understood the both the methods of solving simultaneous equation. Two methods are elimination method and substitution method. Thank you for watching our videos.